अगर आपको घबराहट होती है, रात में कभी यूं लगता है कि यार किसी ने गला दबा दिया है, तो कभी कोई मतलब बोझ पड़ गया दिल पर, नजर ना लगे, कोई जादू ना करे, कोई इस तरह का जिन ना पकड़ ले वगैरह वगैरह, कोई बला ना पहुंचे, आफत ना पहुंचे। बला हमारे यहाँ वो जिन्नात को बोलते हैं, एक्चुअली बला के माना होता है आफत, मुसीबत, हर मुसीबत बला कहलाती है। इसके लिए बेहतरीन अमल मुख्तसर सा इसकी आदत बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बरसों से मामूल है, इसके फवाइद भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस पाक का अमल सुन्नत की नियत से आप किया करें, यानी रोजाना सोते वक्त यूँ हाथ दुआ की तरह कर लें और सूरतुल इखलास, ये सुन्नत की नियत करनी है तो सवाब भी मिलेगा ना। सूरतुल इखलास नकुल अल्लाह शरीफ, सूरह फलक और सूरह नास, ये एक एक बार पढ़ लें, छू कर लें, और यहाँ जहाँ से इन्हें सर इन्हें सुन्नत यह कि चेहरे से शुरू करें, इन्हें आगे से शुरू करें, जहाँ तक जिस्म के जर्रे जर्रे पर जहाँ तक हाथ पहुँच सकता है, कपड़ों पर जहाँ जहाँ तक हाथ पहुँचता है वो मतलब इन्हें हाथ पहुँचाना है। ये हुआ एक बार, इसी तरह तीन बार करना है, तो इंशाल्लाह ये आप पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे। एक दो बार पढ़ने से हो सकता है कि आपको समझ ना पड़े, पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, फिर लाख को जादू के वार करे, जिन्नात हमले करे, नजरें आपकी तरफ बढ़ती रहें, अल्लाह ने चाहा तो, अगर आपने नागे नहीं किए तो कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे सोते वक्त, इंशाल्लाह आप इसकी बरकतें देख लेंगे। सुन्नत है, मेरे आका ये करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो फेल आका करें यार वो कितना अहम होता होगा। ये आप करेंगे हिसार है, ये हदीस पाक में दिया गया है, हिसार बहुत प्यारा है, बहुत मजे का है, फायदे वाला है अल्हम्दुलिल्लाह।